Assalamu alaikum, good morning. How are you, class? Hope you are fine. Yes, I am also fine. Thank you. Class 1, हमने कल complete कर लिए थे question answer of unit number. कौन सा था हमारा? Heat and dry, unit number 6 था. Unit number. आपको ये complete हो गया question number 7 तक. तो ये और unit number 6 heat and dry का. आज हम लोग इसकी टर्मिनोलॉजीज करेंगे. टर्मिनोलॉजीज के लिए पहले डेट एंड डे मेंशन कीजिए. आप लोग की कॉपीज आना शुरू हो गई. इतनी अच्छी मैंने आप लोग की फॉर्मेशंस बनवा दी थी जब आप लोग स्कूल आए थे, और अब फिर गंदा काम शुरू कर दिया आप लोगों ने. अच्छी बात थोड़ी है. अच्छे से काम कीजिए, अच्छा अच्छा काम कीजिए, लेकिन गंदा काम नहीं कीजिए. सही है. डेट एंड डे मेंशन करेंगे 27. जनवरी 2021 एंड द इस्लामिक डेट इज 13 जमातानी जे ए एन ए डी आई यू एस एस ए एन आई सानी 1442 डे है वेनिसडे. और हम आज करेंगे टर्मिनोलॉजीज. टर्मिनोलॉजीज की स्पेलिंग क्या होती है पता है ना आप लोगों को? आप तो हमने इतने सारे चैप्टर की टर्मिनोलॉजीज कर दिए. टी ई आर एम आई एन ओ एल G-I-E-S Terminologies. अच्छा, terminologies में पहली term क्या है? सबसे पहले हम lines draw करेंगे. Part number one is warm. Heat. H-E-A-T, heat. सॉरी, हीट नहीं, वार्म की हम लोग वो करेंगे. ये वार्म की हीट की तो हमने वो पढ़ी थी ना कि वार्म, डब्ल्यू ए आर एम, वार्म. वार्म मीन्स quite hot. वहाँ में हम hot feeling करते हैं थोड़ी थोड़ी सी. quite Q-U-I-I-E-T quite H-O-T hot quite hot. Number two is natural. Nature means sun is a natural object. Moon, sun, stars, ये naturals है ना. और ये हमने बनाए हैं नहीं ना, ये अल्लाह ताला ने बनाए हैं. तो कहते हैं मेड बाय, एम ए डी बाय, मेड बाय नेचर, एन ए टी यू आर ई नेचर. एंड में फुल स्टेप जरूर लगाइएगा आप लोग हल. इसके बाद क्वाइट हॉट, नेचर, मेड बाय नेचर. एंड नंबर थ्री इज रिच. आर ई ए सी एच रिच. रिच मीन्स टू गेट to a place, rich, to get, G-E-T, get, to a place. And my full stop,
Number four is wind. Wind means moving air. Good. Wind means यहाँ तो शायद हमने इंग्लिश में भी ये वर्क किया था जब लाहेला के यूनिट में यूनिट नंबर टू में विंड मूविंग एयर. MOVING मूविंग एयर. AIR मूविंग एयर. अच्छा क्लास आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट होना चाहिए. ये वर्क की मैंने कल वो नहीं भेजी थी शायद आप लोगों को. क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के तो मैंने नहीं सेंड की थी आप लोगों का. इंशाल्लाह आज से फिर दोबारा सेंड करना शुरू करूँगी. ये कंप्लीट करने क्वेश्चन नंबर 7 तक और फिर टर्मिनोलॉजी यूनिट नंबर 6 में. सही है, सबका ये वर्क कंप्लीट होना चाहिए, किसी का भी इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए. आप इसको इंशाल्लाह जल्दी खुलेंगे तो फिर आप लोगों का काम ये कंप्लीट सबका होना चाहिए. ओके, अल्लाह हाफिज़. सी यू नेक्स्ट टाइम.